हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 6 का मैथ, जिसका नाम है डेसिमल्स। उसमें करने वाले हैं 8.3। इससे पहले मैंने 8.1 और 8.2 दोनों डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए एंड बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पहले शुरू करते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है सम। पहला क्वेश्चन है सम, ठीक है। और इस वीडियो को सबसे पहले अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सो दैट जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले रहे उनको भी बेनिफिट मिले एंड वो भी अच्छे से मार्क्स को गेन कर सके। तो शुरू करते हैं। सम फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट करना बहुत ही इजी होता है, जस्ट आपको डेसिमल का ध्यान रखना होता है। तो इसको करके दिखाती हूँ मैं। 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। पॉइंट के बाद वाले नंबर को एक एक करके रीड करते हैं। तो इसको लिखो पहले यहाँ पे 0.007, ये है वंस पॉइंट टेंथ हंड्रेड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। पॉइंट को तो छोड़ के लिखो, ये टेंस है और ये हंड्रेड है और ये थाउजेंड है। थाउजेंड्स प्लेस, पॉइंट के इधर वाले थाउजेंड होते हैं, ये थाउजेंड्स डीएच लग जाता है। तो अब देखो यहाँ पे 8.5 है, पॉइंट फाइव है, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही रहेगा, तो फाइव मतलब टेंथ पार्ट फाइव है और एट जीरो पॉइंट, तो मतलब जीरो के नीचे एट हो जाएगा। और ये 30.08 है, जीरो पॉइंट पहले लगाऊं 08, क्योंकि 0 जो है वो टेंथ है और ये 800 है, तो 08 और 30 03, ये हो गया वंस और ये टेंथ और 100 आता है। तो इस तरीके से मैंने प्लेस लिख दिया। अब बस प्लस कर लेना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट देखो, 7 के नीचे कुछ नहीं है, 00 लगा सकते हो आप अपने आप से, ठीक है। 7 प्लस 07, 8 प्लस 08, 5 प्लस 005, पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, 8 यहाँ 00 तो 8 हो गया और ये 30। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इसको प्लस कर लिया। जस्ट आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना है, बाकी सारे नंबर ऐसे ही करने हैं, मतलब बाकी जैसे प्लस होता है वैसे करने। बी है, एक दो क्वेश्चन और देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बी क्या है, 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। अब क्या देखो, 15 पूरा नंबर है तो लिखो 15, पॉइंट लगा दो क्योंकि ये नंबर आने वाले पॉइंट के साथ है। पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.632, 13 तो 13.8। बस ये वंस, ये पॉइंट के इधर वाले नंबर, ये पॉइंट के बाद वाले नंबर। अब जहां कुछ नहीं है वहां 00 अपने से लगा दो ताकि आसानी हो प्लस करने में, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो। 2 प्लस 0 2, 3, 8 प्लस 6 14, 1 इस पे आ जाएगा, 1 इसको दे देगा कैरी। पॉइंट 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 और 1 प्लस 1 2, तो ये था 29.432। सी क्वेश्चन है, प्लस 0.55 प्लस 0.004, है ना। इसको लिख लिया। अब लिखो यहाँ पे 27.076, ये नंबर है 0.55, तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, 55 है तो 55, बाकी कुछ नहीं है तो इसके नीचे इसके बाद जीरो लिख सकते हो आप। ये है 0.004, बस ऐड कर दो। 6 प्लस 4 10 का 0, 1 यहाँ पे, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 का 3, 1 इसको दे दो, 5 प्लस 1 6.7 और ये तो 27.630। इसी तरीके से डी क्वेश्चन करते हैं। डी में क्या दिया इन्होंने, 25.65 प्लस 9.005 प्लस 3.7। बहुत इजी, पहले इसको लिख दो 25.65, ये 9 है तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, वंस पे 9 है तो वंस के नीचे 0.005, ये 3 है 0.7। अब प्लस कर दो 5 यहाँ पे भी क्योंकि इसके नीचे 0 0, 6 प्लस 7 13 का 3, 1 इसको दे दिया, 9 प्लस 5 कितना हो गया, 9 प्लस 5
14, 14 प्लस 3 17 का 7 और 1 2 प्लस 1 3 तो 37.335। यहाँ पे 8 आएगा बेटे, ये मैंने कैरी को ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब ई और एफ, ई एंड एफ जो है होमवर्क है आप सभी का, इसको करके मुझे कमेंट करना इसका आंसर क्या रहा है, देन मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये सारे हमने क्वेश्चन किए ना वैसे ही इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो ई और एफ करके होमवर्क है, मेरे को कमेंट करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है राशिद स्पेन 35.75 फॉर मैथ्स बुक, 32.60 रुपीज फॉर साइंस बुक, फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। तो जब भी टोटल पूछता है दैट मीन्स आपको प्लस करना है, तो लिख दो यहाँ पे राशिद स्पेंड दिस फॉर मैथ्स दिस फॉर साइंस एंड टोटल इतने रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। मनी स्पेंट बाय, मनी स्पेंट फॉर मैथ्स 35.75, मनी स्पेंट फॉर साइंस 32.60, टोटल मनी कितना हो जाएगा, टोटल मनी स्पेंट दोनों को प्लस कर दो, 35.75 प्लस 32.60। तो जैसे प्लस करना बताया, अब देखो यहां पे कैसे प्लस करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट बिना लिखे 35, 32 दोनों वंस और टेंस डिजिट है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, पहले तो यहां पे ये दोनों भी सेम है 5, 7 प्लस 6, 13 का 3 1 इस पे आ जाएगा, 0.5 प्लस 2 7 प्लस 8 3 प्लस 3 6, दैट मीन्स टोटल जो मनी उन्होंने स्पेंड किया इतने रुपीज। तो लिख दो यहां पे देयर फॉर टोटल मनी स्पेंट बाय राशिद इज 68.35 रुपीज, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन है राधिकाज मदर गिव 10 रुपीज 50 पैसे एंड हर फादर गिव दिस रुपीज, फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इजी हैं, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, इसको भी मेरे को कॉमेंट करना, बिल्कुल सेकेंड की तरह भी ये है, जस्ट इन दोनों को प्लस करना है और कुछ नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन में नशरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर ट्राउजर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। अब देखो मैं ये भी होमवर्क ही दूंगी आपको, क्योंकि ये सेकेंड क्लास का क्वेश्चन है, इन दोनों को बस प्लस करना है, 3 प्लस 2 5 हो गया एंड 5 ये 20 और 5 25 सेंटीमीटर, मतलब 5.5 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े उसने टोटल खरीदे हैं। मैं ऐसे बता दे रही हूं, लिख के आपको मुझे आंसर बताना है। नसरीन वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन इवनिंग, हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको होमवर्क करना है। इस एक्सरसाइज में मैंने कितने होमवर्क दे दिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के होमवर्क बताने हैं, आंसर क्या है, जस्ट यू हैव टू एड ऑल ऑफ देम, इसमें ये प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है, इसलिए मैं नहीं बता रही, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, सुनीता ट्रेवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, दिस मच बाय कार 500 on foot इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, हाउ फार ही इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। तो इसको मैं करके दिखा देती हूँ, एंड ये दोनों भी इजी है, बट इसको मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल सा लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस दिस किलोमीटर एंड दिस मीटर, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर में, मैंने अभी बताया मीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 और 2 में, तो ये हो जाएगा किलोमीटर, कार से इतना ट्रेवल किया तो किलोमीटर में 7.007 किलोमीटर, फुट से उसने इतना ट्रेवल किया तो ये हो जाएगा 500 किलोमीटर, टोटल करना है तो इनको ऐड कर दो,
जैसे हमने सारे क्वेश्चन में ऐड किया वैसे ही इसको ऐड करना है। तो फिर लिख दो देयर फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सुनीता दिस 22.775 किलोमीटर। ठीक है, सेवन क्वेश्चन नंबर उन्होंने पूछा है इतना राइस है, इतना शुगर है, इतना फ्लावर है, तो उसने टोटल कितना परचेज किया। रवि के द्वारा परचेज किया गया चीज बस एड ऑन कर दो इन सबको, ये हो जाएगा 18.27 केजी। तो ये था चैप्टर 8 का 8.3। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको बताना, एंड जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर भी मेरे को कमेंट करना, सो दैट आप पता चले मुझे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर अपने ग्रुप में एंड अपने फ्रेंड से बोलो उसको सब्सक्राइब करने के लिए। बाय।